राम राम जी। मैं प्रवीण उड़ान, आज अपने साथ मौजूद हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मौजूदा मेंबर श्रीमान भोपाल जी खदरी। इन तो आप बहुत सारे प्रश्न करांगे, बालका के मन में जो सवाल है, सिलेबस के हैं, पैटर्न के हैं, कैलेंडर के हैं या पेपर कब होगा, इन सारे विषयों को लेकर सर से आप बात करांगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। उड़ान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहला प्रश्न है जी, जैसे हरियाणा की जो पेपर हैं उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, जैसे आप पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, इनमें सबसे पहली चीज़ क्या पैटर्न है बकायदा कि 1857 की क्रांति में तो प्रश्न आओगा तो वो टॉपिक में दिया जाओगा, HSSC में ऐसा क्यों नहीं है जी? ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं है, पैटर्न है। और उसमें जब एग्ज़ाम होता है उससे पहले ही HSSC की तरफ से क्राइटेरिया बता दिया जाता है कि 15 क्वेश्चन इस रिलेटेड सब्जेक्ट से आएंगे, इतने रीजनिंग के आएंगे, इतने जनरल नॉलेज के आएंगे। तो ये पैटर्न है और सभी स्टेट्स का अलग अलग पैटर्न है अपना। हरियाणा ने जो जिस तरह का ड्राफ्ट किया हुआ है हम उसी तरह से एग्ज़ाम कराते हैं जी। दूसरा एक चीज़ है जैसे कि कैलेंडर को लेके बहुत मांग रहा हुआ कि जैसे UPSC के कैलेंडर हैं कि SSC कैलेंडर तय करती है कि इस दिन पेपर होगा, इस दिन सारी चीज़ें होगी, हरियाणा में भी एक साल का कैलेंडर बनना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि कैलेंडर बने और एडवर्टाइजमेंट वाले दिन ही हम ये बताएँ कि रिटर्न एग्ज़ाम इसका तब होगा, इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होगी, जिसमें इंटरव्यू है उसका इंटरव्यू कब होगा। वैसे तो ज़्यादातर पोस्टें अब ऐसी हैं जिनमें हरियाणा सरकार ने इंटरव्यू ही ख़त्म कर दिया है जी। एक जैसे अभी पीछे क्लरिकल का पेपर हुआ था, 4800 के समथिंग पोस्ट थी, उनमें सबसे बड़ी समस्या क्या देखी गई कि वो क्वालिफिकेशन उसकी 10+2 थी, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जैसे मैथ के क्वेश्चन थे बहुत हार्ड थे, वो BA लेवल के पूछे गए थे या MSc लेवल के पूछे गए थे, उसको लेकर भी कुछ ऐसा हो कि बच्चे या तो बोर्ड पहले से डिसाइड कर दे कि BA लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है, इस बारे में क्या कहना आपका जी? हमारा जो एग्जामिनर है वो एक पैनल होता है, लगभग 2 या 3 लोगों की टीम है जो एग्ज़ाम का के लिए पेपर तैयार करती है और वही डिफ़िकल्टी लेवल तय करती है कि कितना आसान या कितना डिफ़िकल्ट पेपर देना है। अगर डिफ़िकल्ट लेवल जो बच्चों की मांग है वो कम होगा तो कई बार क्या होगा, जैसे 15,000 पोस्टें हैं तो 20,000 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनके 100% नंबर आ जाएंगे, इंटरव्यू की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, तो सिलेक्शन का क्या जरिया होगा? तो इसलिए एग्जामिनर जब पेपर तैयार करता है तो वो डिफ़िकल्टी लेवल भी उसके साथ साथ तैयार करता है कि बच्चे उसी मात्रा में पास हों जितनी पोस्टें हैं। कहने का मतलब यूँ है जी, अगर प्लस टू किसी एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन है तो कम से कम बालक ने BA तक की तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो BA के क्वेश्चन हैं, अभी जो पिछले पेपर हुए सभी उसमें कई बार ये हो जाता है कि एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, वो तो थोड़ा फ़र्क रहता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि हम हायर उस लेवल की क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे, उसमें उसी स्टैंडर्ड के पूछते हैं जिस स्टैंडर्ड की पोस्ट है या उसके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई जी। दूसरा एक जैसे कोई डिपार्टमेंटल पेपर हो, जैसे ITI की पोस्ट है, उसके लिए 25% सिलेबस देते हो उससे संबंधित है, तो उसमें कई बार क्या है ऑनलाइन एग्जाम या ऑफलाइन में कई बार तो 25 क्वेश्चन आ जाओ, कई बार 16 आ जाओ, कई बार 20 आ जाओ हैं, तो एक रूपता नहीं बनी रहती, उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करें, इस बारे में क्या कहना है? अभी हमने जवाब दिया कि हमारा पैटर्न कोई अभी वो निश्चित जो करता है वो एग्जामिनर करता है और उसमें सारे में ये देखते हैं कि औसत रूप क्या निकल के आ रहा है। ऐसा नहीं होता कि 35 क्वेश्चन रिलेटेड सब्जेक्ट से हों और अगले पेपर में वो 16 हो जाएं, लगभग 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता है, कम या ज़्यादा हो जाता है, वो पैटर्न लगभग एक ही जैसा होता है जी। एक जैसे आपका साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, पीछे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इसकी तारीफ करी है, वाकई में है भी काबिल तारीफ, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी समस्या है, जैसे 2 भाई तैयारी करने लग रहे हैं, 1 भाई लग गया, दूसरा रह गया, तो थोड़ा सा बड़ा होने के बाद वो न्यारा हो जाएगा, छोटा भाई ने शायद वो कमा के ना दे, तो इस मामले में अगर ये 95 नंबर का पेपर हो जाए, 5 नंबर का ये हो जाओ तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा है, एक्ट जो है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी निर्धारित नहीं करती, वो करती है सरकार, और उस सरकार में भी विधानसभा करती है,
जैसा ड्राफ्ट सरकार बना के हमारे को भेजेगी हम तो उसके अनुरूप कार्य करेंगे। पर ये सुझाव आपका ठीक है, हम भी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बच्चों की बहुत मांग है, इस पर भी विचार होना चाहिए। जी एक और भोपाल जी, सबसे बड़ी समस्या जैसे 5 नंबर मिले हैं जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल हो, पिछली कई भर्तियां में बच्चे सोशल मीडिया पर आवाज़ भी उठाऊँ, जैसे जो बाहर के बंदे हैं वो लग जाऊँ हैं, उनके भी 5 नंबर लग जाऊँ, इस बारे में भी देखो पारदर्शिता के लिए आप जाने जाते हो तो इस बारे में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। नहीं, अब जो नया एक्ट आया है उसमें सारे जो बेनिफिट्स हैं एससी बीसी एक्स सर्विसमैन या 5 नंबर सोशो इकोनॉमिक्स के फादरलेस ऑर्फन, वो सब सिर्फ हरियाणा के वासियों को मिलेंगे, बाहर के निवासी को वो 5 नंबर या कोई भी बेनिफिट या कोई भी वेटेज अब नहीं मिलेगा। जी अब सप्ताह आखिरी सवाल है, कोरोना महामारी चल रही है बहुत ज़्यादा, हमने भी अभी चेकअप करा के ऊपर आए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये हो कि अब पीटीआई का पेपर तो होने वाला है, उसके बाद जो पेपर जैसे ग्राम सी हुए पटवारी हरियाणा पुलिस वो कब तक होगे, बालक तैयारी कब तक करें, क्योंकि सीएम साहब ने भी एक बार बयान दे दिया था कि 1 साल भर्ती नहीं होगी, इस बारे में कमीशन का या आपका क्या कहना है? हमने जो अपना अभी तक शेड्यूल जारी किया है वो कोविड को देखते हुए किया है और भारत सरकार में भी गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं उनमें अभी ये है कि कोई एग्ज़ाम ना करवाया जाए, ये तो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं नौकरी के लिए है, अभी तो सेक्शन जो कक्षाओं के एग्ज़ाम हैं वो भी सारे टाल दिए गए। रही बात पीटीआई की, पीटीआई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि लॉकडाउन हटने के 5 महीने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है, तो उसमें पीटीआई में तो हम एक उससे बंधे हुए हैं कि कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी कंप्लेंस हमने करनी ही करनी है, और वो भी सरकार के ऊपर आधारित है कि हमने 23 तारीख दी है, अगर सरकार कोई गाइडलाइन ये कहे कि नहीं अभी संभव नहीं है तो उस पर भी विचार किया जाएगा। वैसे 23 अगस्त को पीटीआई का पेपर हम कोर्ट की जजमेंट के अनुरूप ले रहे हैं। तो बाकी पेपर रह गए, बालक का ने क्या संदेश दोगे, कब तक हो उसका थोड़ा बहुत चांस हो, वो तैयारी कर रहे हैं वो खाली बैठे हैं क्या कर रहे हैं, बहुत समस्या आ रही है, इस बारे में थोड़ा स्पष्ट जवाब दे दो तो बढ़िया रहो। स्पष्ट जवाब तो भारत सरकार की गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, उसके अनुसार ही पेपर होंगे सब, ये निश्चित है। और जैसे स्वास्थ्य विभाग के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सितंबर तक ये क्राइसिस जो कोरोना का है ये शायद ख़त्म हो जाए, और जैसे ही ये कोरोना क्राइसिस समाप्त होता है हमने सारी पोस्टों के कैंडिडेट की संख्या के अनुरूप सारा शेड्यूल लगभग हमने तय किया हुआ है, बहुत जल्दी होंगे, पर ये कोरोना क्राइसिस में के बाद ही होगा। जी तो बच्चों खातर के संदेश आपका, बालकों खातर कैसे तैयारी करें कि भाई निरुत्साहित ना हो, उनका संदेश देना चाहोगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो भाई ख़त्म होती, क्योंकि उनके पास सुनहरा अवसर है, उस बारे में क्या कहना चाहिए आपका? बच्चों को मैं यही कहूँगा कि वो कोरोना क्राइसिस एक अवसर के रूप में लें और इस दौरान वो खूब तैयारी करें, जिसके लिए भी उन्होंने आवेदन किया है उसके लिए खूब तैयारी करें, पारदर्शिता ईमानदारी जैसे सरकार ने पहले भर्ती की है वो करेगी, और मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और हम तो ये आयोग का भी ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे के हम एक रिकॉर्ड बनाएं, और हमने अभी तक लगभग 70-75 हज़ार भरे भी हैं, इतने कम समय में कभी भी हरियाणा में इतने लोग सर्विस नहीं पा सके जितने इस आयोग ने किए हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन काम किया है जिस आयोग ने। अच्छा, एक डी ग्रुप की लिस्ट कह रहे हैं, वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दी, क्या एक और लिस्ट क्लियर हो सके, इस बारे में भी बहुत सारे बच्चे पूछे हैं जी। वेटिंग लिस्ट का जो क्लियर होने का सवाल है वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, विभाग लगभग 2 से 6 महीने तक ये रिपोर्ट देता है कि इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या इतने लोग नौकरी छोड़ के चले गए हैं, तो जैसे ही उनकी डिमांड आती है डिपार्टमेंट्स की हम अगली लिस्ट जारी करते हैं, हम खुद लिस्ट जारी नहीं करते, जब हमारे पास डिमांड आ जाती है डिपार्टमेंट की तो हम वेटिंग तभी क्लियर करते हैं। और कोई जैसे पीछे 18,000 की डी ग्रुप की बड़ी भर्ती निकाली थी, ऐसे कोई बड़ी भर्ती पाइपलाइन में हो इनके अलावा जो निकलनी हो? हमारी अभी क्लर्क की डीवी हो गई, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं ESP उनको हमने अभी 2-3 दिन का मौका दिया है, और बच्चों से प्रेफरेंस
मांगी है, जिनकी डीवी हो चुकी है, एलिजिबल कैंडिडेट हैं, लगभग ये 5,000 की भर्ती हमारी, जैसे हमारे चेयरमैन साहब कह रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं, बहुत जल्दी ये भर्ती होने वाली है, शायद अगस्त में ही आ जाए, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। क्लर्क की एक बहुत बड़ी 5,000 की भर्ती है हमारी।